देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं 25 नवंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 29 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 32 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 316 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 803 नए मामले सामने आए हैं, 811 रिकवरी हुई है, 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7894 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 42 नए कोविड 19 मामले, 21 रिकवरी और एक मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 300 है। नंबर चार, हरियाणा में आज 23 नए कोरोना के मामले, 9 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 154 है। नंबर पांच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 156 नए मामले सामने आए, 155 रिकवरी हुई है, एक लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 3533 है। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 214 नए मामले सामने आए हैं, 245 रिकवरी हुई है, दो लोगों की कोरोना से मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2943 है। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 254 नए मामले सामने आए हैं, 546 मरीज ठीक हुए हैं, 3 लोगों की कोरोना से मौत दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामले 6441 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 25 नए कोरोना के मामले, 10 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 180 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना के 744 नए मामले सामने आए हैं, 782 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 12 लोगों की मौत हुई है, तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 8484 हैं। नंबर 10, पौंडिचेरी में आज 27 नए कोरोना के मामले आए हैं, 24 रिकवरी दर्ज की गई हैं, 2 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 304 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 22 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, कोरोना से 20 लोग ठीक हुए हैं और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 246 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 264 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 247 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2175 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 9 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 147 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 4280 नए मामले सामने आए हैं, 5379 रिकवरी हुई है, 308 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 51943 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22 नए कोरोना के मामले आए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई है, 8 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 104 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं, 16 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामले 123 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 116 नए मामले सामने आए हैं, 47 लोग डिस्चार्ज हुए, 3 लोगों की मौत हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 931 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 26 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 698 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं, 2 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 40 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 288 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 151 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 2123 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 9 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 81 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 960 नए मामले सामने आए हैं, 1043 रिकवरी हुई है, 41 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 13028 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 10 नए मामले सामने आए हैं, 10 लोग डिस्चार्ज हुए, एक्टिव मामलों की कुल संख्या 94 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 35 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 20 रिकवरी हुई है, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 311 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 4 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 34 है। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 4 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 37 है। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 174 नए कोरोना के मामले, 135 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई हैं, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1684 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 12 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 356 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 398 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 410 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 4442 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।